चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं गांव और थानियों की खबरों की ओर। जयपुर के चौमू के स्थानीय स्वराज फाउंडेशन कार्यालय पर एक वीर सावरकर जयंती मनाई गई। कार्यकर्ताओं और अतिथियों ने सावरकर के चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए फाउंडेशन अध्यक्ष श्याम शर्मा ने सावरकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्रांति का नाम दिया। अजमेर के विजयनगर में नगरपालिका प्रशासन ने पालिका के भंवरवाड़ी स्थित एक भूखंड पर अतिक्रमण करने की नियत से डाली गई निर्माण सामग्री को पालिका कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण सामग्री को जब्त किया। बारा की छवड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में चारागाह व वन भूमि पर अवैध का सिलसिला नहीं थम रहा। इन स्थानों पर बेरोकटोक मिट्टी बजरी पत्थरों का अवैध खनन रात और दिन जारी है, जिससे प्राकृतिक स्थल अपना स्वरूप खो रहे हैं तो वहीं पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो रहा है। हालात ये हैं कि खनन माफिया प्रतिबंधित स्थानों से रात और दिन बेरोकटोक अवैध खनन कर रहे हैं, जिससे पहाड़ी क्षेत्र में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे वर्षा के दिनों में पानी भरने के बाद दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। बारा की चिपावड़क पंचायत समिति में होरनावदा शाहजी क्षेत्र की आधा दर्जन पुलिया जर्जर हो रही है। वाहन चालकों को पुलिया पर वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। कभी भी हादसे की आशंका बनी रहती है, इस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादरी पंचायत समिति में सीता माता अभ्यारण्य में मेले की तैयारियां आखिरी चरण में है। जेठी अमावस्या पर 3 दिवसीय मेला जो कि 4 से 6 जून तक आयोजित किया जाएगा। उपखंड के गांव मुझवा के वन क्षेत्र में मेला आयोजित होगा। सीता माता अभ्यारण्य उड़ान गिलहरी के लिए भी विश्वविख्यात है। अजमेर के पीसांगन में रोडवेज चालक की मनमर्जी से मुसाफिरों को परेशानी हो रही है और चालक रूट बदलकर बेखौफ बसें चला रहे हैं। चौक की देवली पंचायत समिति में राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा 31 मई को प्रदर्शन किया जाएगा। जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षा सेटअप परिवर्तन में विसंगति और लेवल 1 और लेवल 2 में व्याप्त विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन होगा। अजमेर की मसूदा पंचायत समिति में अतिक्रमणकारियों की मनमर्जी सामने आई है। अपनी दुकानों के सामने निर्धारित जगह से अपनी दुकान के सामान बाहर निकाल कर रख लेते हैं, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी होती है तो वहीं कई बार तो जाम के हालात बन जाते हैं। चूरू के तारानगर पंचायत समिति में अघोषित बिजली कटौती से आम आदमी परेशान है। रोजाना 10 घंटे तक बिजली गुल रहती है। गर्मी के मौसम में बिजली गुल रहने से आम आदमी परेशान है और बिजली विभाग मस्त नजर आ रहा है। भीलवाड़ा की सहाड़ा पंचायत समिति में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को लेकर आज बैठक होगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर जीना कुमार बैठक लेंगे, जिसमें सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और ठेकेदार मौजूद रहेंगे। जोधपुर की बिलाड़ा पंचायत समिति में पुलिस महानिरीक्षक गिरधारीलाल शर्मा ने बिलाड़ा थाने का औचक निरीक्षण किया और पुलिस उप निरीक्षक और थानाधिकारी को स्मोचियों द्वारा क्षेत्र में हो रही घटनाओं को लेकर निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में नशा प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ चुकी है, क्षेत्र का निरीक्षण करें तथा नशेड़ियों को भी चिकित्सालय के शिविरों में भर्ती कराएं। भीलवाड़ा के शाहपुरा में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने नहर सागर सहित तीनों बांधों की नहरों की मरम्मत रिनोवेशन और जीर्णोद्वार कार्यों के शिलान्यास पट्टों का पूजन कर उनका लोकार्पण किया। सैटेलाइट चिकित्सालय में एनआरएचएम परियोजना में 1,02,00,000 की लागत से बनने वाले सभागार भवन स्टोर और निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने किया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार 31 मई तक ईसी जारी नहीं होने और ईसी के लिए आवेदन नहीं किए जाने से बिजौलिया खनन क्षेत्र की भी शामिल होने से खनन व्यवसायियों में हताशा का माहौल है। बिजौलिया में 1556 खदानों में से मात्र 197 कुआरी लाइसेंस धारकों ने ही ईसी के लिए आवेदन किया। शेष 1359 खदानें इस श्रेणी में आने के कारण सुनवाई दिल्ली में होने व नियमों में भारी पेचीदगियों के चलते आवेदन तक नहीं किए गए। कोटा के इटावा में घरों में दूषित पानी पहुंच रहा है, लेकिन विभाग इस समस्या पर मौन बैठा है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी के खैतुड़े नाले के ऊपर बन रहा पुल का काम काफी समय से अटका पड़ा है, लेकिन इस मामले में ग्राम पंचायत ध्यान नहीं दे रही है। झालावाड़ की झालदा पाटन में दूषित पानी के दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा और पानी के सैंपल लिए। वहीं लोगों को इलाज के लिए मुकेरी मोहल्ले में मेडिकल टीमें लगाई गई, जिसके सर्वे में 28 पेट दर्द, 7 उल्टी, 23 दस्त के रोगी और सामने आए। अलवर के कठूमर कस्बे सहित खेड़ली इलाके में रात भर शराब के ठेके खुलते हैं। आबकारी और पुलिस की मिलीभगत के चलते ये खेल खेला जा रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। हनुमानगढ़ के रावसर कस्बे के ग्राम बुधवालिया में लोगों को गंदा और बदबूदार पानी पीना पड़ रहा है। वहीं समस्या के बाद विभाग को बार बार सूचना दी गई, लेकिन स्थिति जस की तस है। चौक के अलीगढ़ में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए थाना अधिकारी को 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। अलवर के रामगढ़ कस्बे के उठवाल पीएससी का हाल बेहाल हो रहा है। अस्पताल में जननी सुरक्षा योजना बंद है। प्रसव के लिए रामगढ़ या अलवर प्रसूताओं को जाना पड़ता है, जिसकी शिकायत के बाद भी कोई गंभीर नहीं है। अलवर के रामगढ़ कस्बे के कुटेटा कला से नांगल टप्पा मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा है। आए दिन हो रहे हादसे की बार बार शिकायत के बाद भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। झुंझुनू के पिलानी में बेटी बचाओ का संदेश दिया गया। यह संदेश मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर दिया गया।
चूरू की रतनगढ़ की पंचायत समिति में महिला के साथ दुष्कर्म व मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने 40 वर्षीय पीड़िता का मेडिकल भी करवाया। पीड़िता ने पुलिस को दी लिखित रिपोर्ट में तनगढ़ निवासी बजरंग लाल सहित एक अन्य पर आरोप लगाया। रतनगढ़ पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में भी लिया, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। चौकी मालपुरा में पार्षद परिवार पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। हमले में 4 घायल हुए हैं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। वहीं पीड़ित पक्ष को पहले ही पंचायत ने फरमान सुना दिया था। वहीं जिला कलेक्टर तक भी ये मामला पहुंचा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर पालिका चुनाव की रंजिश से जुड़ा मामला है। पार्षद ने फिर से सुरक्षा की गुहार लगाई है। अलवर की किशनगढ़वास पंचायत समिति में राजस्थान रोडवेज की बस की चपेट में आने से तीसरी क्लास की छात्रा घायल हो गई। चिकित्सकों ने गंभीर अवस्था में छात्रा को अलवर रेफर कर दिया। अलवर रोडवेज बस चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। अलवर रोडवेज से जलदाय विभाग के सामने ये हादसा हुआ। चूरू के सरदार शहर कस्बे में देर तक शराब के ठेके खुले रहते हैं। प्रशासन देखकर भी अनदेखा कर रहा है। रात के समय शराब के पैसे भी ज्यादा लिए जाते हैं। प्रशासन की अनदेखी के कारण मालिक अपनी मर्जी से ठेका चला रहे हैं। प्रशासन का भी कोई डर नहीं है। वहीं शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अलवर के राजगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में आया अंधड़ व बारिश से पेड़ गिरने से कई सड़क मार्ग बाधित होने के साथ ही बिजली के तार टूट कर नीचे गिर गए, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली के तार टूटने से पेयजल सप्लाई भी बाधित रही। अजमेर की बीसांगन पंचायत समिति में दो लोगों के खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज हुआ। चोर दुकान के सामने रखी बाइक चुरा कर रफू चक्कर हो गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। कस्बे के मेवाड़िया रोड का ये पूरा मामला है। अजमेर के पीसांगन में रोडवेज चालक की मनमर्जी के चलते मुसाफिरों को परेशानी हो रही है। चालक रूट बदलकर बेखौफ रोडवेज बस चला रहे हैं। ग्राम फतेहपुर वासियों को इससे परेशानी हो रही है। पीसांगन से जयपुर वाया भावता रोडवेज का मामला है। भरतपुर के बयाना में मिनी ट्रक में संदिग्ध परिस्थितियों में चालक का शव मिला है। कस्बे के ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने मृतक की शिनाख्त भी कर ली है। मृतक चंद्रभान रूपवास थाना क्षेत्र के धाटा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं लोगों की भारी भीड़ वहां जमा हो गई। कस्बे के रीको औद्योगिक क्षेत्र की यह घटना। राजसमंद की आमिट पंचायत समिति की लोड़ियाणा ग्राम पंचायत की चंडोट भूमि में कुछ मावल व्यवसायियों ने मावल कट्टर से निकलने वाली स्लरी डाल रहे हैं, जिसके चलते कई बीघा जमीन को बंजर कर चुके हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर स्लरी मुक्त भूमि की मांग रखी है, जिसके बाद कलेक्टर ने नायब तहसीलदार को कार्रवाई के आदेश दिए। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे के काछोला उप तहसील कस्बे में ग्राम पंचायत द्वारा कस्बे में साफ सफाई नहीं करने से गली मोहल्लों में गंदगी का अंबार लगा है। दुर्गंध से लोगों का हाल बेहाल है। पंचायत प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। बांसवाड़ा की छोटी सरवन पंचायत समिति के घोड़ी तेजपुर में घंटाली में सचिन पायलट के आने की तैयारी को लेकर बैठक रखी। बैठक में प्रधान बागी द्वारा विधायक सहित कांग्रेस जन मौजूद रहे। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।